हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कपड़े की दुकान में भीषण आग मामला, 6 सदस्यीय टीम पहुंची बाड़मेर, घटनास्थल का लिया जायजा। बाड़मेर शहर के स्टेशन रोड पर कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग के कारणों का पता लगाने के लिए जयपुर जोधपुर से 6 सदस्य FSL टीम बाड़मेर पहुंची। टीम ने स्टेशन रोड और पीछे की गली की बिल्डिंग का जायजा लिया, वहां से साक्ष्य जुटाने के साथ सैंपल भी लिए हैं। टीम ने आसपास पड़ोस के व्यापारियों से बातचीत की। दरअसल मंगलवार रात करीब 8 बजे बाड़मेर शहर के सबसे व्यस्ततम स्टेशन रोड पर कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग बिल्डिंग के पीछे गोदाम तक पहुँच गयी और आसपास की दो दुकानों को चपेट में ले लिया। करीब 6-7 घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया था। बाड़मेर नगर परिषद के फायर ब्रिगेड केरन, राज वेस्ट, फायर फोर्स, BSF सहित दर्जन भर दमकलों ने 5-5 फेरे करके आग पर काबू पाया था। सेना के जवानों के मोर्चा संभालने के बाद आग पर काबू पाया था। स्टेशन रोड पर लगी भीषण आग के कारणों का पता लगाने के लिए जयपुर व जोधपुर से 6 सदस्यीय टीम शुक्रवार को बाड़मेर पहुंची। आग लगने वाली जगह का मौका देखा, वहां पर आसपास के व्यापारियों से बातचीत भी की। इस दौरान व्यापारियों ने टीम को मोबाइल में आग लगने वाले फोटो और वीडियो दिखाए। व्यापारियों का कहना है कि दुकान के आगे लगे बिजली के खंभे से निकली चिंगारी से आग लग गई है। ये चिंगारी शोकेस में लगे कपड़ों पर जा गिरी। टीम ने हर बिंदुओं के ऊपर जांच की है। टीम ने आगजनी की घटना स्थल से नमूने लिए। FSL टीम सदस्य एडिशनल डायरेक्टर राजवीर ने बताया कि हादसे वाली बिल्डिंग का मौका देखा और आसपास के व्यापारियों से बातचीत की। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।